यूरिन ब्लॉकेज यानी कि पेशाब बंद हो जाने की समस्या ऐसी है बकरों में जो मोस्टली बकरों पर आती है, फार्म वाला हो या घर पर बकरे पालने वाले। ये दिक्कत सबके साथ होती है और जानवरों की जान तक भी ले लेती है। मेरे जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं इस बीमारी में और ये क्यों आती है, सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। ये क्यों आती है, इसके इतने सारे रीज़न हैं कि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए, जो मैं मेरे फार्म पे करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी इसका इतने सारे ट्रीटमेंट है, हर आदमी के अपने अपने तरीके हैं इसके लिए। हमारे फार्म पर हम लोग क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी किसी बकरे के साथ दिक्कत आती है, मेरे यहाँ पर ये दिक्कत अभी सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तब काफ़ी आई थी छोटे बच्चों में, क्योंकि क्या है कि 3 महीने से बड़े बच्चों को जब हमने दाना शुरू किया तो जो हरी पत्ती आती है उसमें मिट्टी भी होती है, इसके अलावा जो मक्खी वगैरह हम लोग दे रहे थे बकरों को, तो इससे क्या है कि थोड़ा बहुत पेशाब के नली वगैरह पे फ़र्क पड़ता है, मिट्टी वगैरह से पथरी बनती है। तो पथरी के लिए हम लोग नीरी देते हैं, टैबलेट आती है नीरी की, एक वो देते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कौन से इंजेक्शन और कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आप लोग एक बकरा पालते हो या फार्म चलाते हो आप एक बार ये ट्राई करना। वैसे मोस्टली लोगों ने ट्राई किया होगा बट नए लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सीपी आउट करके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सीपी आउट करके आती है, अगर किसी भाई को इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सीपी आउट, ये यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन या कुछ भी पेशाब के थ्रू जितने भी मसले होते हैं सबके लिए होती है और ये होम्योपैथिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप लोग इसको यूज़ करें। ये पिलाने की डोसेस है, मैं मेरे बच्चों में अगर ये दिक्कत आई थी तो 20-20 बूंद करके मैंने हर 3 घंटे बाद दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत रिलीफ मिलता है जानवर को। इन केस अगर इससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो एक ये आता है रेडीमा इंजेक्शन, छोटे बच्चों पे 1 ml, अगर बहुत बड़ा जानवर है तो उसके साइज के हिसाब से लगता है। 50 किलो के जानवर पे 2 ml मैंने लगाया है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ और जिससे मुझे फ़ायदे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेडीमा और एक देसी इलाज में कलमी सुरमा करके आता है, वो हमारे एक भाई हैं हारून भाई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये दवाइयाँ हैं जो कि आपके यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है अगर बकरे को पेशाब का बंद हो गया। आप लोगों को डाउट भी अगर है कि यार पेशाब बंद हो गया या नहीं हुआ, इस डाउट में ना रहे, ये सीपी आउट लेकर आ जाए। अगर आपको मन में लगे कि यार मेरे बच्चे को दिक्कत है पेशाब की तो आप ये पिला दें, इसका साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं कुछ, ये बाद में ट्राई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, लेसिक्स का इंजेक्शन यूज़ करते हैं कहीं पर। लेसिक्स का इंजेक्शन क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए मैं वो बता देता हूँ कि लेसिक्स का करो या मरो वाला मामला है। यानी कि जैसे सपोज़ बकरे का पेशाब बंद है, आपने लेसिक्स लगा दिया, या तो वो बकरे का पेशाब खोल देगा या फिर वो जिसमें बकरे का ब्लेडर जो होता है वो फाड़ देगा। आपके बकरे के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो पेशाब करेगा नहीं तो उसका ब्लेडर फट जाएगा, उसका सारा यूरिन जो भी है पेट में चला जाएगा, जिससे उसके बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि लेसिक्स इंजेक्शन कभी भी बकरों पर ना लगवाएं जब तक आप बहुत सारे ट्रीटमेंट उस पर ना कर लें, क्योंकि लेसिक्स सबसे लास्ट ऑप्शन है और मैं सजेस्ट करूंगा कि लेसिक्स इंजेक्शन बकरों पे यूज़ ही ना करें। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अगर बाई चांस आपके बकरे का पेशाब नहीं खुला, उसने ब्लेडर फाड़ दिया, तो बकरा नहीं बच सकता, क्योंकि पेशाब की नली जो फट जाती है, जो थैली होती है वो फट गई अगर, तो फिर आपके बकरे के सर्वाइव करने के चांसेस 0 हो जाएंगे। रेडीमा इंजेक्शन बहुत बेस्ट है इस चीज़ में, तो ये आप यूज़ कर सकते हो और इसके फ़ायदे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पेशाब का बंद खुल भी जाता है। पेशाब का बंद बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, तो अपने बकरों को एक नीरी करके टैबलेट आती है, अगर उसको स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप वो दें, इंशाल्लाह उससे इसकी ये दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे फार्म पर एक पथरी का बच्चा आया था, उसके पेशाब की नली में पथरी थी और बड़ी मसले थे उसको, अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में रिकवर हो गया था बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी ये मसले हो तो आप एक बार ज़रूर ये सीपी आउट ट्राई करें, इससे ना हो तो ये रेडीमेड ट्राई करें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पर इसका 100% रिजल्ट है। मैं इसका कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे फ़ायदा हुआ मैं आप लोगों को बताया। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगर और भी किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए हो तो अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में ज़रूर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा।